आज हम आपको एक कंपैरिजन वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हम आपको आईपी 100 प्लस और वाईपी 100 इनक्यूबेटर के डिफरेंसेस हैं जो वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं चीज़ों को, उसके बारे में आपको इसकी फीचर्स जो है वो आपको इसका सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी इसका जो फ्रंट पैनल है आप इसके डिजिट्स का लुक चेक करें कि कितना स्लीक और खूबसूरत सा एक डिस्प्ले है और आपको बहुत दूर से भी टेक्नीशियन को देखने में नजर आएगा। जबकि इसके कंपैरिजन में आप देखें आज से 15 साल पहले जो डिस्प्ले हम देखते थे वही एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले इसमें नजर आ रहा है। इसका डिस्प्ले और इसका डिस्प्ले का ये डिफरेंस है ये बहुत स्लीक और अच्छा खूबसूरत डिस्प्ले है। ये यूनिट आईपी 100 की निस्बत जो है बहुत ज़्यादा हैवी वेट है। इसका जो मटेरियल है वो बहुत सॉलिड मटेरियल के ऊपर बना हुआ ये यूनिट है। इसका वेट आईपी 100 से बहुत ज़्यादा है और जो चीज़ इसको यूनिक बनाती है वाईपी 100 की निस्बत वो ये है कि सपोज हमने टेम्परेचर सेट किया है 36, वुड में टेम्परेचर है 33, लेकिन हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि इस टेम्परेचर इसके अंदर वाकई ही 33.4 या 5 है जो हमने सेट किया हुआ है उतना ही टेम्परेचर होती है। तो इसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर जो है वो कंपनी बिल्ड किया हुआ है। इस टेम्परेचर सेंसर का काम ये है कि इस कैबिनेट के अंदर जो टेम्परेचर है वो ये यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा, मेक श्योर करेगा कि जो इसके यूनिट में टेम्परेचर हमने सेट किया है जो इस वक्त करंट टेम्परेचर चल रहा है सेम वही टेम्परेचर बोर्ड के अंदर चल रहा है, ये इस बात को मेक श्योर करता है। यही एक सबसे बड़ा की फीचर है जो इसको दूसरे कंप्यूटर्स की निस्बत जो है वो डिफरेंट बनाता है और यूनिक बनाता है, जबकि ऐसी कोई भी चीज़ 500 के अंदर नहीं। इसका चैम्बर का साइज आप चेक करें और इसका चैम्बर साइज आप चेक करें कि इसके हुड में एक कितना बड़ा डिफरेंस है। बहुत ब्राउट और वाइड हुड इसका बना हुआ है जिसमें आप बहुत इजीली पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें 500 के अंदर जो है वही आपके पास जो पुराने की लॉक हुआ करते थे आज तक वही है और इसमें एक सिंगल लॉक है जिससे आप इसको खोल सकते हैं। जबकि इसके अंदर जो है जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक सेफ्टी पुश लॉक है प्लस दो आपके पास यहाँ लॉक है सेल लॉक नंबर टी इसके अंदर जो है वो मेंटेन हुई है ताकि जो हुड का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे कहीं से भी लीकेज ना हो फ्रेश एयर इनक्यूबेटर के अंदर ना जाए। और इसके अलावा इसके विंडोज जो है बहुत ही पुश लॉक के साथ जो है बहुत ही खूबसूरत और दिलकश डिजाइन के साथ जो है वो आपको मिलती है। और अब आप वाईपी 100 के इस चैम्बर को देखें, इसकी थिकनेस चेक करें जो कि मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 0.2 mm का एक एक्रेलिक शीट है जिसके ऊपर ये बना हुआ है। आप इसको आप चेक करें, इसका शीट का साइज आप चेक करें कि इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है। मैं आपको मेजरमेंट टेप से भी चेक कराऊंगा, आप यहाँ से चेक करें ये बिल्कुल पतली सी शीट है जबकि ये आईपी 100 प्लस के अंदर जो है वो आपको 4 विंडोज मिलती है, दो फ्रंट साइड पर दो इसकी बैक साइड पर, ये बैक साइड पर दो इसके फ्रंट साइड पर। वाईपी 100 के अंदर आपको सिर्फ दो विंडोज मिलती है और उसके फ्रंट साइड पर है, इसकी बैक साइड पर कोई विंडो नहीं। इसकी जो साइड्स हैं कैबिनेट की साइड्स हैं इस वाईपी 100 के अंदर आपके पास एक विंडो है और जबकि आईपी 100 प्लस के अंदर आपको दोनों साइड पर विंडोज अवेलेबल है। इसमें आपके पास एक्सेसरीज अटैचमेंट्स इंसर्ट करने के लिए दोनों साइड पर दो दो प्रोब्स, दोनों साइड पे दोनों सिलिकॉन के बहुत ही खूबसूरत जो है विंडोज दिए हुए हैं जिससे आप एक्सेसरीज की अटैचमेंट्स में वो इंसर्ट कर सकते हैं। जबकि इसमें सामने फ्रंट में सिर्फ और सिर्फ एक ये छोटा सा कैबिनेट कोई बहुत अमेजिंग सिलिकॉन है। अब इसका एक बहुत मेजर और की फीचर जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इससे पहले किसी भी इनक्यूबेटर में अवेलेबल नहीं। इस कनेक्टर का जो काम है वो ये है कि हुड के अंदर जो ऑक्सीजन हम पास करते हैं वो कंपनी ने एक कनेक्टर हमें अवेलेबल किया है। इसके अंदर ये कनेक्टर अगर हम O2 मॉनिटर के अंदर लगा लें तो हुड के अंदर ऑक्सीजन की जो हमारी परसेंटेज है और उसका ह्यूमिडिटी लेवल है वो भी हम देख सकते हैं। इस
इसको होल्ड करने के लिए इसके हैंडल्स हो, आप इसकी क्वालिटी को चेक करें और ये जो है हैंडल है इसकी क्वालिटी को चेक करें आप कितने हैवी वेटेड है। इस इंक्यूबेटर को एक अकेला शख्स उठा सकता है जबकि इसको इंक्यूबेटर को एक अकेले शख्स के लिए उठाना पॉसिबल नहीं। अगर मैं एयर फिल्टर्स की बात करूँ कि जो नेचुरल एयर इंक्यूबेटर सक करके उसको ह्यूमिडिफायर के साथ जो है ह्यूमिडिटी के साथ जो अंदर पास आउट करता है, तो ये YP100 का एयर फिल्टर है। और जबकि IP100 प्लस के अंदर एयर फिल्टर में आप देखिए कितना पूरा शॉप खूबसूरत एयर फिल्टर है और कितने बड़े साइज में एयर प्रोवाइड किया खूबसूरत है। प्लस ये कि ये एयर फिल्टर जो है इसका साइज आप चेक करें, इसकी क्वालिटी आप चेक करें। अब हम इसकी बात करने के लिए जा रहे हैं इसके आईवी स्टैंड, आईवी पोल जो आपको नजर आ रहा है इसकी फिटिंग के लिए। IP100 के अंदर आपके पास राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर ऑप्शन है कि आप इसको राइट साइड पर लगा सकते हैं या लेफ्ट साइड पर इंस्टॉल कर सकते हैं आप इसको। जबकि YP100 के अंदर ये सिर्फ एक ही यूनिट है, वन साइडेड, आप इसको सिर्फ यहाँ राइट या लेफ्ट किसी भी एक जगह पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर हम इसकी बात करेंगे डिजाइन की। YP100 में जो आईवी स्टैंड आता है आप इसका डिजाइन चेक कीजिए, इसकी ट्रे की थिकनेस और इसकी क्वालिटी चेक करें। जबकि सेम यही चीज आप हम अगर IP100 में बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिलकश सा डिजाइन और बहुत ड्यूरेबल जो है वो इसका आईवी स्टैंड है। इसके अंदर 2 kg का वेट जो है होल्ड करने के लिए खूबसूरत मॉनिटर ट्रे भी अवेलेबल है। इसके बाद अब हम बात करेंगे पेशेंट बेड, जिस बेड पे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ये YP100 का पेशेंट बेड है, आप इसको देख लीजिए एक नजर, इसकी क्वालिटी को चेक करें। और अब मैं आपको IP100 का जो पेशेंट बेड है वो दिखाता हूँ आपको। आप इसको देखने में आपको इतना दिलकश लगता है, देखने में इतना खूबसूरत है कि और इसका साइज भी जो है थोड़ा सा एक्सटेंड है YP100 की नस्बत जो है इसका साइज भी थोड़ा सा एक्सटेंड है। इसमें 8 kg तक का लोड उठाने के इसके अंदर टॉलरेंस है। 8 kg तक का बच्चा आप इसके अंदर मैक्सिमम लोड इसका जो है वो 8 kg तक का है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इसका कंट्रोल पैनल जो है वो मैंने इसे बाहर निकाला है। आप इसकी फिनिशिंग चेक करें, आप इसका डिजाइन चेक करें। YP100 के अंदर जो सेंसर आता है टेम्परेचर सेंसर वो एक लंबी डेडी वाला सेंसर आता है जो कि आए दिन ब्रेक हो जाता है, कभी आते हैं और कभी लगाते हैं। इसमें जो सेंसर जो है वो ऐसा दिया है अनब्रेकेबल सेंसर है जो कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हीटर की क्वालिटी देखें, फैन क्वालिटी चेक करें, स्मूथनेस चेक करें। उसके बाद इसका जो हुड है वो YP100 से बहुत ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट है, बहुत अच्छी क्वालिटी के ऊपर जो है वो बना हुआ हुड है। आप इसको देखें सॉलिड मटेरियल के ऊपर बना,